ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। त्रिशा कॉलेज ऑफ एजुकेशन में अनुच्छेद 370 और 35 ए पर एक संगोष्ठी आयोजित की गई। संगोष्ठी में बतौर मुख्य वक्ता नरेंद्र अत्री ने शिरकत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि अनुच्छेद 370 और 35 ए को खत्म कर मोदी सरकार ने राष्ट्रीय एकता अखंडता के प्रति अपनी वचनबद्धता को दर्शाया है। त्रिशा कॉलेज ऑफ एजुकेशन में अनुच्छेद 370 और 35 ए पर आयोजित संगोष्ठी में बतौर मुख्य वक्ता बोलते हुए नरेंद्र अत्री ने कहा कि जम्मू एंड कश्मीर से अनुच्छेद 370 व 35 ए को खत्म कर मोदी सरकार ने राष्ट्रीय एकता अखंडता के प्रति अपनी वचनबद्धता को दर्शाया है। नरेंद्र अत्री ने कहा कि देश की एकता अखंडता के लिए जम्मू एंड कश्मीर में अपने प्राणों की आहुति देने वाले वीर सैनिकों के लिए 370 व 35 ए को हटाना एक सच्ची श्रद्धांजलि है। नरेंद्र ने सरदार वल्लभ भाई पटेल, बाबा भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, अटल बिहारी वाजपेयी जैसे महान सपूतों का जिक्र करते हुए कहा कि इन महान सपूतों समेत करोड़ों राष्ट्रभक्त ऐसे थे जो जीवन भर अनुच्छेद 370 एवं 35 ए का विरोध करते रहे, क्योंकि इसी अनुच्छेद के कारण एक राष्ट्र में दो संविधान व दो निशान चल रहे थे। अब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने इसे समाप्त करके राष्ट्र की एकता अखंडता के प्रति अपनी वचनबद्धता को दर्शाया है एवं राष्ट्र के करोड़ों देशभक्तों की भावनाओं का सम्मान किया है। ऐसा नहीं था, 10 साल पहले ही प्रधानमंत्री जी ने वीजा मांगा अमेरिका से, अमेरिका ने मना कर दिया। अमेरिका के सारे सांसदों ने कहा कि ये बंदे को नहीं आने देना, यहां नरेंद्र मोदी ये अच्छे बंदे नहीं है, केवल 10 साल में। और 10 साल के बाद आज पूरी दुनिया बोल रही है कि इनसे अच्छा आदमी कोई नहीं। कल कैसा कब हुआ, अगर नरेंद्र मोदी जी हतोत्साहित हो जाते सबको पता लग गया, पूरी दुनिया को पता लग गया कि मुझे वीजा नहीं दे रही। उन्होंने उसको नकारात्मक तरीके से नहीं लिया, उन्होंने उसको सकारात्मक तरीके से लिया और उस व्यक्ति ने पूरी दुनिया को बताया कि भारत माँ के सपूत में कितनी ताकत है। नरेंद्र अत्री ने हैरानी जताते हुए कहा कि अभी भी राष्ट्र में कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं जिनको अनुच्छेद 370 एवं 35 ए समाप्त होने से बहुत पीड़ा पहुंची है और अनुच्छेद 370 और 35 ए समाप्त करने का विरोध कर रहे हैं। नरेंद्र अत्री ने प्रशिक्षु अध्यापकों से आह्वान करते हुए कहा कि वे अपनी शिक्षा ग्रहण करने के साथ साथ इस महत्वपूर्ण विषय का अध्ययन करके इसके बारे में समाज के विभिन्न वर्गों में जागरूकता लाएं ताकि राष्ट्र विरोधी ताकतें भ्रामकता न फैला सके। इस मौके पर महाविद्यालय के सचिव राजीव शर्मा ने भी अपने विचार रखे और युवाओं से राष्ट्र के प्रति जिम्मेदारी पूर्वक भूमिका अदा करने का आह्वान किया। इससे पहले महाविद्यालय पहुंचने पर महाविद्यालय के प्रिंसिपल डॉक्टर जयश्री, श्याम लता व अन्य स्टाफ के सदस्यों ने नरेंद्र अत्री का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया व उन्हें स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। इस मौके पर अनिल परमार, सुभाष ठाकुर, कमलेश वर्मा, राकेश दीवान, पूनम भारद्वाज, अंबिका लखनपाल, मुकेश कुमार ऑल स्टाफ के साथ साथ 150 से अधिक प्रशिक्षु शिक्षक मौजूद रहे। उनका बलिदान हो जाता है, एक व्यक्ति आजकल तो छोटी छोटी छोटे छोटे लाभ के लिए व्यक्ति अपनी निष्ठाएं, अपनी आस्थाएं, अपने नियमों में खूब परिवर्तन कर देता है, पर एक जो व्यक्ति जो 32 वर्ष की आयु में किसी विश्वविद्यालय प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय का वाइस चांसलर था, 38 वर्ष की आयु तक पहुंचते पहुंचते देश की कैबिनेट में मंत्री था, केवल इस बात के लिए अपने प्राणों की आहुति दे देता है कि जब मेरा देश आजाद हो गया है तो मैं अपने देश के ही दूसरे विभाग में परमिट लेकर नहीं जाऊंगा।